पुलिस वाले पकड़ रहे थे, इधर मत जा उधर मत जा। मैंने ऑटो लगा करके बूथ के बाहर, मैं लाजपत नगर से आया हूँ, बता देना चाहता हूँ। बताया ना, मैं कहीं के कहीं बोलूँगा, मेरा स्टेशन कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। तो इलेक्शन हो रहा था तो पुलिस वाले पकड़ रहे थे, मैं ऑटो में जाके बैठा, जो भी आ रहे सबको कराऊँ, एक नंबर है जी पहला नंबर झाड़ू, एक नंबर है जी पहला नंबर झाड़ू, पूरी सेवा करी, सरकार बना दी। उसने कहा था जी ऑटो वालों के ऊपर ध्यान देंगे, 3 साल हो गया आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। एक हेल्पलाइन का चलान होता है, वो कहते हैं जी बंद हो गया, आज भी जब बंद नहीं हुआ चलान आज भी हो रहे हैं। नो पार्किंग का चलान है, जहाँ खड़े होते हैं वहीं चलान हो जाता है। थोड़े दिन तक असर रहा, उसके बाद में फिर वही हो गया। तो केजरीवाल जी भी ऑटो वालों को ठगा, सारी जनता को ठगा। अभी बहन ने कहा कि जहाँ झुगी टूटेगी वहीं मकान बनेगा, मैंने कहीं मकान बनता हुआ नहीं देखा। ओखला के तरफ एक है श्रीलाल चौक, वहाँ पे मैंने जरूर देखा है, थोड़ी सी वो कबूतर खाना बन रहा है, वो पता नहीं किसके लिए है। बाकी हर एक जगह झुग्गियाँ टूट रही हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ तो पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, आज देखता हूँ लोग यहाँ झुग्गी टूटी, लोग यहाँ पे बिस्तरा इकट्ठा करके खड़े हैं, आज यहाँ झुग्गी टूटी यहाँ बिस्तरा इकट्ठा। केजरीवाल जी को देखता हूँ, हम वहाँ जाएंगे, वो जाते हैं कि नहीं जाते नहीं पता चलता। टेलीविजन आप बताता हूँ मीडिया वालों की, मीडिया वाले भी भाई साहब बिके हुए हैं। मेरे ऊपर जो कोई करना चाहो कर लेना, मैं खुल के बोलूँगा। सिर्फ एक दो चैनल ऐसे हैं जो सही दिखाते हैं, बाकी जो पैसा देता है उन्हीं की दिखाते हैं। हेडलाइन भी उन्हीं की होगा, बड़ा लाइन छोटा लाइन सब उन्हीं का होगा। डिबेट होता है टीवी में, डिबेट होता है वहाँ पे देखिए। अरे सबसे बड़ी बात तो डिबेट ये करते हैं कि जी मोदी जी कहते थे कि हमारा पूरी बहुमत की सरकार होगी तो मंदिर बनाऊंगा। भाई साहब आपको तो इतने साल हो गए, आपने क्यों नहीं मंदिर बनाई? अब जी सुप्रीम कोर्ट करेगा, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, तो आपने वादा क्यों किया था? अब रहा भाई मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, इतने लोग हैं, इन सभी के दिमाग में क्यों नहीं आता कि वहाँ पे भी एक एम्स बना दिया जाए दिल्ली की तरह? यूपी के, बिहार के, झारखंड के जो लोग आते हैं एम्स में इलाज कराने, और ये मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, कभी कहते जी हम बनाएंगे, वो कहते जी हम बनाएंगे, ये इसकी ज़मीन है वो उसकी ज़मीन है। भाई सब मिल करके एक वहाँ पे बहुत बड़ा एम्स बना दिया जाए, सबका इलाज हो जाए, तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वो नहीं बनाएंगे, फिर इनकी सरकार कैसे बनेगी? अब देखिए 15 साल बाद मोदी जी की सरकार बनी तो कैसे बनी? ये मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर बनी। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो समझ लो इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब तो सब कुछ हमारा ही है, लेकिन मोदी जी की ऐसी हवा चली कि वो उखड़ गए। केजरीवाल की हवा चली तो मोदी जी की भी दिल्ली में सरकार बनाने की हवा उखड़ गई। अब मैं चाहता हूँ कि अब की बार ऐसी हवा चले, कोई ईमानदार, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, निर्दलीय हो, आप वोट दीजिए। वोट का अधिकार है आपका, चलो सीधा अधिकार है, वोट जरूर कीजिए। ये नहीं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे, आप जाएंगे नहीं, अमीर लोग जाएंगे नहीं, तो सरकार बनेगी कैसे? निर्दलीय को चुनिए, ईमानदार को चुनिए, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में ईमानदार लोग भी बहुत हैं। हमारे देखिए माननीय सांसद पप्पू यादव जैसे लोग हैं, आज देखिए उनके यहाँ जितना जो उनको रहने के लिए जगह दिया गया वो उन्होंने ने छावनी में तब्दील कर दिया। जो लोग आते हैं उनके प्यार से उनका फ्री में इलाज होता है, फ्री में खाना मिलता है, और इलाज करके वो घर जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि ईमानदार लोगों की कमी है, ईमानदार लोग जिस दिन नहीं होंगे ना उस दिन ये धरती पे हम और आप नहीं रहेंगे। ये धरती ईमानदारों की वजह से चल रही है, बेईमानों की वजह से नहीं। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा, कम समझ लूँगा, बहुत साथी लोग आए हुए हैं, सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना अपना विचार रखना है। मेरे मन में भी बहुत उथल पुथल हो रहा था, थोड़ा बहुत निकल गया, बाकी जो थोड़ा रहा वो कहीं और सम्मेलन में निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।